रस्तों की खराब स्थिति की वजह से कई सारे एक्सीडेंट हमने इस बार देखे हैं और हाल ही में दीवा आगासन रोड पर गड्ढों की वजह से एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी। ये वही रास्ता है, आप देख सकते हैं कि इसी जगह पर उसकी गाड़ी स्लिप की और एक ट्रक के नीचे आकर उसकी जान चली गई। जिस शख्स की जान चली गई उसका नाम है गणेश फले, 22 साल का युवक है जो इसी आगासन रोड पर रहता है। कल यहां से वो आ रहा था और सामने से एक ट्रक आ रही थी, तभी उसकी बाइक स्किड हुई और वो ट्रक के पिछले टायर में के नीचे चला गया, जिस वजह से उसकी जान चली गई। हमारे साथ निवृत्ति पाटिल जी है जो बगल के ही शॉप के ओनर है, उनसे हम समझेंगे क्या हुआ था कल, कितने बजे की बात है। कल तकरीबन 9:15 बजे की बात है, एक ट्रक साइलेंस पे आ रहा था, वो एक लड़का बाइक पे आ रहा था, उसने हेलमेट नहीं पहना था, उसका थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ने के वजह से वो नीचे गिर गया और पीछे के पहिए में वो आ गया। हमने उसको उठाया, ऑटो में बिठाया और वो उसको हॉस्पिटल में लेके गए, तो हॉस्पिटल में वो उसका डेथ हो गया। कैसी हालत थी जब आप लेकर गए थे, कितना ब्लीडिंग आ रहा था, क्या अस्पताल पहुंचने से पहले ही जान चली गई? नहीं नहीं, हॉस्पिटल में वो डेथ हो गया, डॉक्टर ने डेथ उसका डिक्लेयर कर दिया। नहीं, वो इसका ट्रक वाले का भी गलती नहीं था, उसका बैलेंस बिगड़ने से वो नीचे गिर गया, इसके वजह से उसको डेथ हो गया। देखिए, इस सड़क की हालत आप देख रहे हैं, कैसी हालत है, ये हालत कितने दिनों से है और अब तक इसे सुधारा नहीं गया है, कितनी समस्याएं होती है। आप यहीं पर रहते हैं, आप गाड़ियों का ही व्यवसाय करते हैं, आप देख रहे होंगे कि सड़क की स्थिति कैसी है। कोई भी देखकर बता देगा कि ये सड़क सबसे बेकार सड़कों में से एक सड़क मानी जाएगी। इसको लेकर क्या जो लोकल प्रशासन है, क्या कुछ कहता है आप लोगों को? माननीय जी मुख्यमंत्री जी जो है एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने इस दीवा एरिया को बहुत सारा निधि दिया है, उन्होंने ऑर्डर भी दिया है स्थानीय जो नगर सेवक है, यहाँ के 8 नगर सेवक है, उनको बोला है कि जितना काम है वो जल्दी से जल्दी फटाक से करो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जगह वाले जो हमारे लोग है वो उनका खुद का जगह है, उनको बेनिफिट न मिलने से वजह से वो जगह नहीं दे रहे है। तो उन स्थानीय लोगों का यह मानना है कि हम लोग को मुनाफा दे दो और जगह ले लो, लेकिन ये मैटर सोल्व न होने के कारण से साइड का काम थोड़ा स्लोली चालू है, तो हम कॉन्ट्रैक्टर को भी कुछ नहीं बोल सकते, उसका भी गलती नहीं, अगर उसको भी जगह मिलेगा तो काम फास्ट करेगा, उसको भी मुनाफा मिलेगा। देखिए, जो भी बातें कहीं ना कहीं प्रशासनिक लेटेंसी की वजह से कुछ बातचीत में गैप हो रहा है, इस वजह से आम लोगों को समस्या हो रही है। ऐसे में क्या कुछ आप लोगों की बातचीत होती होगी जो लोकल नगर सेवक है या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, क्योंकि अक्सर लोग आपको भी शिकायतें करते होंगे कि ये रास्ता बहुत खराब है। सही बात है, यहाँ के जो उप महापौर थे पहले रमाकांत मडवी जी, वो 8-10 दिन में यहाँ पे आते हैं और यहाँ का जो लोगों से चर्चा करते हैं, वो उनका भी ट्राई है कि दीवा अच्छा हो जाए। उन्होंने आगे का जो रास्ता सीमेंट कॉन्क्रीट करके बनाया है वो एकदम मस्त है, वो जो ऐसा करने वाले है हमने कभी सोचा भी नहीं था, हम यहाँ के लोग है सेटिस्फाई उनके और अच्छा काम होना चाहिए, हम लोग का ऐसा कहना है। तो आपने सुना कि काम हो रहा है, लेकिन जो काम की गति है, जिस गति से होनी चाहिए, वो काफी धीमी है और इसी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, यहाँ पर एक शख्स की जान तक चली गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने कई भाषणों में कहा है कि गणेश भगवान के आगमन तक जितनी भी सड़कें हैं उनके गड्ढे भर दिए जाएंगे, और अब गणेश बप्पा के आगमन में कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन आप इसकी हालत देख सकते हैं। लोकल लोगों का जो मानना है कि कॉन्ट्रैक्टर्स और जो अगल बगल के जो लोग रहते हैं उनकी जो बातचीत में जो गैप है, बातचीत नहीं हो पा रही है या फिर जो चीजें सुलझनी चाहिए उसे सुलझाया नहीं जा पा रहा है, इसी वजह से इस पूरी सड़क का काम जो है वो काफी धीमी गति से हो रहा है और जिसका परिणाम यहाँ के लोकल लोगों को भोगना पड़ रहा है। कैमरामैन अजीत शिवतरकर के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई।